कोई है? कोई है जी? आपको नमस्ते, मेरा नाम प्यारी है, मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। मेरा नाम मानव है, आइए मैं आपको भैया भाभी से मिलवाता हूँ। जी आइए। भैया भाभी कौन है ये? भैया आपने मेट के लिए बोला था क्या? नमस्ते मैम साहब, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ और घर भी अच्छे से संभाल लेती हूँ, बस आप मुझे काम पे रख लीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। तुम्हारा आधार कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे देना, मैं कल ही पुलिस स्टेशन में तुम्हारी एंट्री करवा दूंगा। जी शाम वो तो हो जाएगा, प्यारी अभी तो आई है। अच्छा प्यारी सुनो। हाँ? मुझे और शाम को ऑफिस जाना है, तुम टिफिन बना दो हमारा और बाकी का जो काम है वो तुम्हें मानव भैया समझा देंगे, ठीक है? हाँ भाभी मैं समझा दूंगा, डोंट वरी इट, मैं प्यारी को बहुत प्यार से सब कुछ समझा दूंगा। चलो हम चलते हैं। आइए आपको समझाते हैं। हाँ हाँ जल्दी पहुँच रही हूँ यार, मेरे से पहले मीटिंग स्टार्ट मत करना, मिस्टर मेहरा के पहले मैं आ जाऊँगी, ठीक है? हाँ हाँ डोंट वरी। ओके चल बाय। मैडम ये आपका टिफिन। अरे वाह, इतने जल्दी टिफिन रेडी भी कर लिया? सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच प्यारी। बट टिफिन तो रेडी कर लिया लेकिन घर की साफ सफाई अभी बाकी है, वो मैं कर लेती हूँ। मुझे पता है तुम ज़रूर कर लोगी, आई एम वेरी लकी कि मुझे तुम मिली, थैंक यू सो मच। चलो मैं निकलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, ठीक है? ठीक बाय। दोस्तों यहाँ श्याम और प्रिया के रिश्ते में प्यार, तकरार और नोकझोंक तो दिख रही है, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मानव का प्यारी को यूं घूर कर देखना और उससे इस तरीके की बातें करना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या कोई नई मुसीबत आने वाली है? जानने के लिए आगे देखते हैं। प्यारी क्या कर रही है? खाना बना रही हूँ। यार तुम जैसी खूबसूरत लड़की इतने कम पैसों के लिए यहाँ काम कर रही है, पर तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें दुनिया की वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो, तुम्हें इस घर की मालकिन बना के रखा, समझे? देखो छोटे साहब, इस वक्त इस तरह की बात मत कीजिए, मुझे बहुत सारे काम हैं और टिफिन भी बनाना है, प्लीज आप जाइए यहाँ से। चला जाऊंगा लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं हूँ तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मानव। तुम्हें किसी चीज की तकलीफ हो तो मुझे बताओ, ठीक है? देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है, छोड़ो मुझे, अब जाओ यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा, डोंट वरी, मैं हूँ ना, तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा, ये सब काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें वो दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो, रानी बना के रहो। मैंने कहा ना मुझे ये सब पसंद नहीं है।
प्यारी, कैसी हो? देखो, अगर तुमने अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ी ना, तो मैं मैन साहब और साहब से बता दूंगी। इतना क्यों नाराज रहती हो? दूर रहो मुझसे। क्या हो गया? इतना क्यों नाराज रहती हो मुझसे? देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया? मुझे कंगन वंगन नहीं चाहिए। अरे देखो तो सही, तुम्हें पसंद है? अगर तुमने मुझे दोबारा छुआ ना, तो मैं चिल्लाऊंगी। क्या हो गया मेरी प्यारी को? क्या हो गया? मैंने कह दिया ना, छोड़ो मुझे। क्यों रहती है प्यारी मुझसे इतनी नाराज? मैं तुम्हारा मानव हूँ ना, वो ना मानव। मानव होना मैं तुम्हारा। लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाले, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। पर मैं अभी मानव हूं, इस प्यारी को अपने प्यार के जाल में फंसा के ही रहूंगा। सर ये लीजिए प्याज की पकौड़ा, मैंने बनाया है आपके लिए। प्यारी आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल अप्सरा की तरह। अरे सर, प्यारी की तो बात ही निराली है, जो भी देखता है उसे प्यार हो जाता है। मैंने तो जब से तुमको पहली बार देखा था, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन मैम साहब को पता चलेगा तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? तुम सिर्फ मेरा ख्याल रखो, मुझे खुश करो, सबको मैं संभाल लूंगा। तुम्हें किस चीज की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन वो छोटे साहब की नजर। क्या किया उस निकम्मे ने? वो बोलो। छोटे साहब की गंदी नजर ने मुझे इस घर से जाने से मजबूर कर दिया है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उस निकम्मे को आज ही मैं ठीक करता हूँ। नहीं नहीं, जब वक्त और समय आएगा तब देख लेना, अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो चलो एंजॉय करते हैं साथ। किस बात की देर? प्लानिंग अच्छी चल रही है, हम जैसा चाहते हैं वैसा बहुत जल्द हो जाएगा। इतना क्यों नाराज रहती है मुझसे? देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया? मुझे कंगन वंगन नहीं चाहिए। अरे देखो तो सही, तुम्हें पसंद है? अगर तुमने मुझे दोबारा छुआ ना, तो मैं चिल्लाऊंगी। क्या हो गया मेरी प्यारी को? क्या हो गया? मैंने कह दिया ना, छोड़ो मुझे। क्यों रहती है प्यारी मुझसे इतनी नाराज? मैं तुम्हारा मानव हूं ना, हो ना मानव। जो हमने डिसाइड किया था वो होने में वक्त नहीं लगेगा। तुम सिर्फ मेरा ख्याल रखो, मुझे खुश करो, सबको मैं संभाल लूंगा। तुम्हें किस चीज की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन वो छोटे साहब की नजर। क्या किया उस निकम्मे ने? वो बोलो। छोटे साहब की गंदी नजर ने मुझे इस घर से जाने से मजबूर कर दिया है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उस निकम्मे को आज ही मैं ठीक करता हूँ। नहीं नहीं, जब वक्त और समय आएगा तब देख लेना, अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए, एंजॉय कीजिए। बस एक लास्ट मास्टर प्लान बाकी है, उसके बाद
हम जैसा डिसाइड करते हैं वैसा हो जाएगा। अब पार्टनर के कहने के मुताबिक प्लान का सेकेंड फेज आ गया है, सो उसकी प्लानिंग शुरू। ये लीजिए छोटे साहब, दूध पीजिए। दूध पीने के बाद आपको ताकत आ जाएगी और फिर क्या प्यारी? फिर क्या? फिर आप देखिए क्या करना है। मैं देखूं? छोटे साहब, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे आपसे शादी करनी है। ठीक है, मैं कल ही भैया और भाभी से बात करता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? शादी के बाद मैं नहीं चाहती कि हर चीज के लिए तुम्हें अपने भैया के पास हाथ फैलाना पड़े। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए तुम्हें अपने भैया को रास्ते से हटाना होगा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बाबा, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। प्यारी है ना सर तुम्हारे साथ, बस प्यारी जैसा कहती है वैसा करते जाना, फिर देखना सब कुछ कैसे ठीक होता है। ठीक है। हाँ बोलो प्यारी। साहब कहाँ हैं आप? मैडम भी घर पर नहीं है और छोटे साहब भी घर पर नहीं है, तो आ जाइए ना। ओके, मैं बस अभी आया तुम्हारी बाहों में। ठीक है। आज तो कयामत लुटा रही हो प्यारी, क्या बात है, अप्सरा लग रही हो।
प्यारी के प्यार का नशा अब कयामत ही ढाएगा ना। आओ मुझे भी बता दो अपने प्यार का नशा। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा तो यहां ये चल रहा है? वाह भैया वाह, भाभी के होते हुए कुछ शर्म नहीं आती। मैं सब बताऊंगा भाभी को, सब बताऊंगा भाभी को। उसे किसी अनजान नंबर से मुझे कॉल आ गया कि घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है और मैं मुझे तो पता ही नहीं चलता। और तू प्यार करता था तुझसे, सच्चा प्यार, क्या कुछ नहीं क्या मैंने तेरे लिए? और तुम मेरे भैया कैसे? देखा मैंने कहा था ना इसकी बुरी नजर कितने दिनों से मेरे ऊपर है। देखा आज किस तरह की बातें कर रहा है। भैया इसने कहा ये मुझसे शादी करेगी, इसी की वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ रहा था और जब देखो तब ये मेरे पीछे पड़ा रहता था और आज हम दोनों के बीच आ गया। क्या बोल रही? अगर आपने इसका कुछ नहीं किया ना तो अच्छा नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या बोल रही है भैया? मतलब क्या बोल रही है? कुरा तेरे कमीने भैया, मैं नहीं दीजिएगा ना कि कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे और कोई भी भाई ऐसा अपने भाई के साथ ना करे। प्रिया मेरा यकीन करो, ये सब प्यारी की वजह से हुआ है, ये मुझे फंसा रही है, ये मुझे फंसा दी यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब इसने किया ये सब, ये इसका करा दरा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। आपको अपने भाई के मर्डर और इस लड़की के रेप के जुर्म में मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर। यू आर अंडर अरेस्ट। हम मुझे माफ कर देना, मैं एक औरत हूं, मैं ही समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या बीती होगी। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, पर अब उन्हें सजा मिलेगी, उनके पापों की सजा उन्हें जरूर मिलेगी उन्हें। दीदी मान गए आपको, आपने ना अपने पापा यानी मेरे चाचा के मौत का बदला आखिर ले ही लिया। हाँ प्यारी, ये वही शख्स है जिसने मेरे पापा को मजबूर कर दिया था सुसाइड करने के लिए। ये श्याम मेरे पापा को डेली फोन करता रहता था दहेज के पैसों के लिए और मेरे पापा कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने तंग आके सुसाइड कर लिया। लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बहन। लेकिन दीदी ये सारे बदले के चक्कर में बेचारा मानव मारा गया। इस अग्रवाल फैमिली में पैदा होने की सजा तो इसे मिलनी थी और आज मेरा अग्रवाल फैमिली से बदला पूरा हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पापा की आत्मा को आज शांति मिलेगी। दोस्तों वही हुआ जिसका डर था, पहले मानव का यूं प्यारी के जाल में फंसना और फिर श्याम का भी उसी राह पर चलना।
गलत हुआ, पर क्या किसी बाप को दहेज के लिए यूं मजबूर करना सही है? और प्रिया का यूं इस तरीके से बदला लेना, क्या ये सही था? दोस्तों, जुर्म हमेशा अपनी दस्तक देता है, बस हम उसे अनसुना कर देते हैं। इसीलिए आगे आने वाली जिंदगी में सावधान रहिए और जुर्म की दस्तक को अनसुना मत करिए। हम ऐसी ही सनसनीखेज कहानियों के साथ आपके सामने फिर से आते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा।